इंटरनेशनल कॉमर्स एफिशिएंट मार्केट इंडेक्स के अनुसार वर्तमान में भारत में लगभग 15 मिलियन किराना स्टोर हैं। 2021 और 2022 की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप किराना होलसेल व्यापारी बन सकते हैं और इसके लिए आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना होगा। किराना स्टोर का होलसेल बिजनेस मुख्यतः दो तरीकों से शुरू किया जाता है। पहला, आप अनाज जैसे कि चावल, गेहूं, दाल इत्यादि की बिक्री कर सकते हैं। दूसरा, FMCG प्रोडक्ट्स अर्थात फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिनमें कि शैम्पू, बिस्किट, मैगी, नमकीन और ऐसी दूसरी चीजें आती हैं जो कि बहुत तेजी से बिकती हैं और जिनका स्टॉक भी आपको तुरंत रिफिल करना होता है। किसी भी किराना स्टोर होलसेल व्यवसाय में आप तभी मुनाफा कमा पाएंगे जब आप अपने कॉम्पिटिटर की तुलना में सस्ता सामान बहुत अधिक मात्रा में बेच पाए। आपने एक लोकप्रिय सुपरमार्केट चेन डीमार्ट का नाम तो सुना ही होगा। उनकी सफलता का राज यही है कि उन्होंने दूसरे बड़े सुपरमार्केट चेन की तुलना में सस्ता माल सामान बेचा, परंतु बल्क में बेचा। बिग बाजार जैसी बड़ी निवेश वाली कंपनी ने डीमार्ट की तुलना में सामान को थोड़ा महंगा बेचा, परंतु उन्होंने लोगों को गुणवत्ता भी बेहतरीन दी। भारतीय लोगों को डिस्काउंट वाले सामान गुणवत्ता वाले सामानों की तुलना में ज्यादा पसंद आते हैं। इसी वजह से आज डीमार्ट बिग बाजार से बहुत बड़ी सुपरमार्केट चेन बन गई है। FMCG प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आपको एक होलसेलर के तौर पर किसी बड़ी कंपनी की डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी पड़ेगी। इसके लिए आपको उस कंपनी के साथ जुड़ना होगा और उसे अपनी एक प्रोफाइल बनाकर भेजनी होगी, जिसमें आपका निवेश और आपकी दुकान का इंफ्रास्ट्रक्चर तथा आपके द्वारा लिए गए लोन इत्यादि चीजों की जानकारी दी जाती है। साथ ही इसमें बताया जाता है कि आप कितने अधिक प्रोडक्ट्स को बेचकर उस कंपनी को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। इसी के आधार पर वो कंपनी आपको डीलरशिप प्रदान करती है। वर्तमान में भारत में FMCG क्षेत्र की बहुत बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि यूनिलीवर इंडिया, कोलगेट, ब्रिटानिया आदि। दूसरा तरीका हमने आपको बताया, अनाज का होलसेल किराना मार्केट। इसके लिए आप अपना सामान या तो अनाज का उत्पादन करने वाले किसानों से सीधे खरीद सकते हैं या फिर किसान और APMC के बीच में काम करने वाले एजेंट की सहायता से अच्छा माल खरीद सकते हैं। किसान से माल खरीदने का फायदा ये होता है कि आपको बीच में दलाल को कमीशन नहीं देना पड़ता, परंतु उसका नुकसान ये होता है कि आपको एक बार में ही किसान को पूरा पेमेंट करना होगा। दलाल से खरीदने का फायदा ये होता है कि एक तो वो आपको बेहतर से बेहतर गुणवत्ता का अनाज उपलब्ध करवाता है, साथ ही वो आपसे पेमेंट भी किश्तों में ले सकता है, क्योंकि उसके पास समय समय पर अलग अलग डीलर्स के द्वारा पेमेंट आता रहता है। इसी से वो किसानों को पैसा देता रहता है और किसानों को भी उस ब्रोकर पर विश्वास होता है। इसी वजह से उसको आधी कीमत पर भी अपना सामान बेच देते हैं, क्योंकि बाकी कीमत उसे बाद में मिल जाती है। कुछ मुख्य गेहूं उत्पादक राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा इत्यादि के किसानों से आप संपर्क कर सकते हैं। इस सामान को या तो आप सीधे किराना स्टोर पर बेच सकते हैं या फिर बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले किसी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। वो लोग शादी जैसे बड़े समारोह में आपके यहाँ से सामान खरीदेंगे। इसके लिए आपको उनको कुछ छूट देनी होगी। आप एक डीलर के तौर पर अलग अलग क्षेत्र के व्यापारियों को चुन सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ बातें ख्याल में रखनी होंगी। उस व्यापारी की दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या कितनी है और उस व्यापारी को अन्य दूसरे डीलर्स के साथ कैसे संपर्क है। संपर्क से तात्पर्य ये है कि उन्हें वो टाइम पर पेमेंट करता है या फिर नहीं। इसके अलावा उस व्यापारी का सामाजिक व्यवहार, बोलने की क्षमता, ऐसी चीजें भी थोड़ा बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि जितनी अच्छी बात करने की क्षमता होगी उतने ही अच्छे तरीके से वो आपके सामान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा पाएगा। इस प्रकार हमने जाना कि आप इन चीजों का ध्यान रखकर अपना होलसेल मार्केट शुरू कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं इस व्यवसाय में आपको होने वाली कुल लागत के बारे में। किराना होलसेल बिजनेस की लागत, इसके लिए भी दोनों मॉडल में अलग अलग निवेश की आवश्यकता होती है। यदि हम बात करें अनाज के क्षेत्र की, तो आपको किसानों से खरीद कर उसे अपने डीलर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, गोडाउन की सुविधा, व्हीकल की सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि चीजों को ध्यान में रखते हुए लगभग 3 से 6 लाख रुपए तक के निवेश की आवश्यकता होती है। यदि हम बात करें FMCG प्रोडक्ट की, तो डीलरशिप लेने के लिए आपको बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के पास कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी, जो कि लगभग 1 से 2 लाख रुपए के बीच में होगी। बड़ी कंपनियां इससे भी अधिक सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती हैं। इसके अलावा कई बड़ी कंपनियों का एक रूल होता है कि आपको अपने क्षेत्र में डीलरशिप लेने के लिए अपने पास लगभग 10 से 15 दिन तक बिकने वाले सामान का स्टॉक रखना होता है। इसके लिए आपको उस कंपनी को स्टॉक अमाउंट देना होता है। जितना ज्यादा स्टॉक आप लेते हैं, उतने ही अधिक आपको पैसे चुकाने होते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और व्हीकल तथा स्टाफ एवं कई दूसरी चीजों की आवश्यकता होती है। इन सभी को मिलाकर लगभग 7 से 10 लाख रुपए में FMCG प्रोडक्ट का होलसेल किराना व्यवसाय शुरू हो सकता है। यदि आप एक ही स्थान पर दोनों तरह के प्रोडक्ट का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो आपको लगभग 15 से 20 लाख रुपए तक का निवेश करना होगा। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको निवेश के अलावा दुकान या फिर अपने गोदाम की आवश्यकता होगी। साथ ही सरकार के साथ GST पोर्टल पर रजिस्टर करवाकर अपना GST नंबर लेना होगा।
इसके लिए आपको अपनी दुकान को एक फर्म या फिर कंपनी के तौर पर रजिस्टर कराना होगा। इसके लिए सामान्य लाइसेंस की प्रक्रिया होती है, जो कि आपको भविष्य में होने वाली कानूनी दावपेच से बचाएगी। इसके अलावा आपकी दुकान की आवश्यकता के अनुसार आपको स्टाफ की आवश्यकता होगी। आसानी से 2 या 3 लोगों की सहायता से आप अपनी दुकान का सारा सामान मैनेज कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं इस व्यवसाय में होने वाले मुनाफे के बारे में। किराना होलसेल बिजनेस में मुनाफा, मुख्यतः आपका मुनाफा निर्भर करता है आपके पास आने वाले ग्राहकों की संख्या पर। इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपका दुकान या गोदाम ऐसे स्थान पर हो जहां पर अधिक से अधिक किराना स्टोर के मालिक पहुंच सके और उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध हो। साधारणतः देखा जाए तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन लगभग 10-25% तक होता है। FMCG प्रोडक्ट में मार्जिन लगभग 5-10% के बीच, जबकि अनाज वाले प्रोडक्ट में मार्जिन लगभग 10-20% के बीच होता है। यदि आप दोनों तरह के होलसेल स्टोर को शुरू करना चाहते हैं तो आप 20-30% के बीच अपना मार्जिन बचा सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि आप किसी बड़ी और पुरानी कंपनी से जुड़ेंगे तो आपको कम मार्जिन प्राप्त होगा, जबकि नई कंपनी से जुड़ने पर वो अपनी मार्केटिंग को ध्यान में रखते हुए आपको अधिक मार्जिन देगी, क्योंकि शुरुआत में उन्हें भी इस मार्केट में अपना पैर जमाना होता है। इस प्रकार आप एक किराना होलसेल मार्केट के व्यापारी बनकर आसानी से लोगों तक नए और जरूरतमंद सामानों को पहुंचाने के साथ साथ मुनाफा भी कमा सकते हैं। OkCredit आपके बिजनेस का सच्चा साथी।